भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर एक बार फिर गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया है। इंग्लैंड भारत को हराने के लिए तमाम तरह की चाल चल रही है, भारत को धमकी दे रही है, तो भारत ने भी इंग्लैंड को हल्के में न लेते हुए इस जीत के बावजूद भी अपनी टीम में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। ये बहुत ही बड़े बदलाव है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। जी हाँ, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि जीत के बावजूद भी टीम इंडिया को बदलाव करने पड़ रही है, और किस तरह से इंग्लैंड की बोलती बंद करी है भारत ने, क्योंकि इंग्लैंड इस हार के बावजूद भी भारत के ऊपर ऐसे ऐसे बयान कर रहा है जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। या यूं कहें तो रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, लेकिन भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही में तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारत ने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव किए हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। अब ये जाने से पहले कि तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में बदलाव करने पड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए के ऊपर क्या कहा है भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में जीत हासिल की और वो काबिले तारीफ है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बात है इस मैच के बाद लगातार हो रही है। जिस तरह से उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी की वो लाजवाब रही। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने उनकी तारीफ करी और कहा कि अब इंग्लिश टीम कभी भी इस गेंदबाज को गुस्सा नहीं दिलाएंगी। जहीर खान ने कहा कि अगर गुस्सा होने के बाद भी खुद कर संभाल कर इस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं, इस तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कभी कभार विरोधी टीम द्वारा ऐसे तंग किया जाना चाहिए, लेकिन पहली पारी में उनको एक भी विकेट नहीं मिला। इन सब के बाद जब एंडरसन वाली पूरा किस्सा हुआ, जिस तरह से उनको बल्लेबाजी करने के दौरान बाउंसर किए गए, जैसे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज उनके खिलाफ पीछे पड़े, इन सभी चीजों को उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने गुस्से का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से किया। इंग्लैंड की टीम सोच रही होगी कि हमें बुमराह को बाउंसर करना देना चाहिए था, उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह से ऊर्जा और लगन से उन्होंने गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या बदलाव करने वाली है। इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 मैच हो गए हैं और तीसरा मैच 25 अगस्त से लीड्स के मैदान में होने वाला है। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, ऐसे में तीसरे टेस्ट मैच में ज्यादा प्लेइंग 11 में बदलाव तो नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि टीम का एक ऐसा स्टार प्लेयर मौजूद है जिसे बाहर निकाला जा सकता है। पहले और दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने बस एक ही स्पिनर को शामिल किया, सीनियर प्लेयर अश्विन को बाहर कर जडेजा ने दोनों मुकाबले खेले हैं। हैरानी की बात है कि जडेजा जैसा प्लेयर इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सका। रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल करने का मकसद पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इस टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा न तो एक भी विकेट ले पाए और न ही कोई बड़ी पारी खेल पाए। जडेजा की सीधी गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत नहीं हो रही है, उल्टा जडेजा की गेंदों पर रन पड़ रहे हैं। 25 अगस्त से लीड्स में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में जडेजा की जगह रविचंद्र अश्विन को चांस दिया जा सकता है। अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया था। अश्विन की गेंद के साथ साथ बल्ले से भी चेन्नई टेस्ट में शतक जड़ा था, तो भले ही रविंद्र जडेजा की जगह अश्विन को मौका न दिया जाए तो किसी एक तेज गेंदबाज को आराम देकर भी रविचंद्र अश्विन को खिलाया जरूर जाएगा तीसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर। खैर, आप तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत में क्या बदलाव करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।